नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyarabic.com के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम आपके सामने किडनी सिकुड़ने का इलाज लेकर के आए हैं, और इसका जो आयुर्वेद में किडनी सिकुड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, किडनी फेल्योर का एक सबसे बड़ा कारण होता है किडनी सिकुड़ना। अगर किडनी सिकुड़ जाए तो हमें क्या करना है, ये आज हम देखेंगे। तो जब हमारी किडनी सिकुड़ जाती है तो किडनी की छोटी रचना जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो फिल्टर का काम करती है, ये नेफ्रॉन्स दब जाते हैं और उनका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे किडनी फिल्टर भी ठीक से नहीं कर पाती है और वही विषैले पदार्थ हमारे ब्लड में लगातार जाने लगते हैं और क्रिएटिनिन, यूरिया जो है इनका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज जिनकी किडनी सिकुड़ गई है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई इलाज नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा, तो मरीज निराश ना हो, उनके लिए विशेष आयुर्वेदिक दवाई बता रहे हैं आज हम। और ये जो नुस्खा है ये आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश गौतम जी का है। तो जिन मरीजों की किडनी सिकुड़ गई हो उनको डॉक्टर बताते हैं ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। तो ऐसे मरीजों को क्या करना है, एक मकोए नाम का पौधा है दोस्तों, जो पूरे भारत में पाया जाता है और संस्कृत में इसको काकमाची और अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। इसका इंग्लिश में जो इसका नाम है वो कॉमन नाइटशेड है, यानी इंग्लिश में इसको कॉमन नाइटशेड कहते हैं। इसके छोटे छोटे फल होते हैं, कुछ लोग इसे खाते भी हैं। और इसका पूरा पौधा ले लीजिए, इसको अच्छी तरह से धोकर इसका रस निकाल लें और इस मकोए के रस को 20 ml दिन में 2 बार पीना है 3 महीने तक लगातार। 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको काफी रिलीफ मिला है और किडनी सिकुड़ने के केसेस में ये काफी लाभकारी होता है। दोस्तों, इसमें हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि मकोए की सब्जी बनाकर भी खाई जाती है, इसके फल भी खाए जाते हैं, इसका अर्क भी आता है। जिस भी प्रकार से किडनी के रोगी को इसकी सेवन करना हो वो कर सकते हैं, उनको अवश्य ही अगर भगवान ने चाहा तो इसमें लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको किडनी सिकुड़ने या आपके कोई भाई बंधु हैं जिनको ये प्रॉब्लम है तो आप ये नुस्खा जरूर आजमा के देखें, आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद में बहुत ही सरलता से हम कई समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर सामान हमारे किचन में ही पड़ा होता है, हमारे गार्डन में ही अवेलेबल होता है, लेकिन हमें उन चीजों के गुणों के बारे में पता ही नहीं होता। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के, एक नई समस्या को लेकर के और आयुर्वेद में उसके दिए गए समाधान को लेकर के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।